हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहे कि जनरली द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, बट द एटॉमिक साइज ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम इज ऑलमोस्ट द सेम। एक्चुअली हम देखिए, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो कहता है कि जनरली क्या होता है, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है ना। सही बात है, बट जो एल्युमिनियम और गैलियम है बेटा, इनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऐसा रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली होता क्या बेटा, हम अगर एग्जैक्ट रीजन की बात करें यहाँ पर, तो वैसे तो क्या होना चाहिए था कि एल्युमिनियम से गैलियम जाते टाइम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, एक सेल इंक्रीज हो रही है तो साइज बढ़ना चाहिए था। बट होता क्या है कि गैलियम के अंदर जो आते हैं ना डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बेटा। गैलियम के अंदर क्या जाते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसका एटम नंबर कितना होता है, 31। वहीं एल्युमिनियम होता है ना, उसके अंदर केवल पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे कह सकते हो, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, 4s2, फिर 3d10, फिर 4p1 आता है। उसमें क्या होता है बेटा, डायरेक्टली मेरा 3s2 3p1 आता है। तो ये डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इनकी शील्डिंग पावर SpDf, शील्डिंग पावर का ऑर्डर ये होता है। तो मतलब P के कंपैरिजन में शील्डिंग पावर क्या है, D की कम है। शील्डिंग पावर कम होगी तो क्या होगा, मान लीजिए मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से डिवाइडेड वाले इलेक्ट्रॉन से शील्ड कर रहे हैं, तो शील्डिंग पावर कम होगी तो अच्छे शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो बेटा साइज छोटा हो जाता है, तो साइज इतना छोटा हो जाता है कि जो बढ़ना चाहिए था वो ऑलमोस्ट हमारा सिमिलर हो जाता है गैलियम के। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। पहला कहता है कि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। बिल्कुल सही बात है बेटा, मैंने ये बताया ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है क्योंकि शील्डिंग पावर कम है डिवाइड इलेक्ट्रॉन्स की, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। दैट इज जेड इफेक्टिव होता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड माइनस सिग्मा। जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट जो कि नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कम हो जाता है और ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेकंड कहता है कि गैलियम कंटेंस इंटरवेनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट स्क्रीन दी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है, मैंने ये बताया कि शील्डिंग पावर है डी इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होती है, तो अच्छे से इंटरवेन नहीं कर पाते, मतलब वो स्क्रीन अच्छे से नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। थर्ड कहता है कि आयनाइज एंथैल्पी ऑफ गैलियम एंड एल्युमिनियम आर कंपेरेबल। वही रीजन है बेटा, आयनाइज एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या हो जाएगी, जो गैलियम वाला उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो एल्युमिनियम गैलियम का जो आयनाइज एनर्जी वो भी लगभग सेम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही रीजन परफेक्टली करेक्ट, सारे क्रिटेरिया सारी कंडीशंस को सही तरीके से बता पा रहे हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।